हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम नीड, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस देखेंगे। ये तीनों आपको या नीड के नाम से आ सकता है एग्जाम में, या इम्पोर्टेंस पूछ सकते हैं, या सिग्निफिकेंस के नाम से आ सकता है। तीनों में आपने यही चीज़ लिखनी है अगर आपको क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 में भी आ सकती है पार्ट करके, जैसे आपको ABC पार्ट दे सकते हैं उसमें ये आ सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। गाइस, मैंने पिछली वीडियो में ही इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रापोलेशन का प्रैक्टिकल पार्ट कराया था। अगर गाइज आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना चाहते हो अच्छी तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी। और साथ ही साथ गाइज मैं क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक की फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि अगर आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज सबसे पहले पढ़ेंगे नीड। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन आपको तीन नीड मैं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है फिलिंग द गैप। अब जो हमारा जो नॉलेज है इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लोरेशन की, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। किस लिए यूज़ कर सकते हैं? फॉर फिलिंग द गैप। किस चीज़ के गैप? मान लो आपके पास कोई डाटा अवेलेबल है, मान लो आपके पास डाटा अवेलेबल है 2000 से लेके 2005 तक कोई डाटा अवेलेबल है। ठीक है, साथ ही साथ उसके जैसे आपको परसेंटेज गिवन है, ठीक है, एक की आपको गिवन नहीं है, तो उसकी मदद से आप इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लोरेशन की मदद से आप क्या कर सकते हो, उस मिसिंग वैल्यू को आप निकाल सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में जो प्रैक्टिकल पार्ट करवाया था उसमें मैंने मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन ही कराए थे। ठीक है, जिसमें दो वैल्यूज़ भी मिसिंग थी और वन वैल्यू भी मिसिंग थी, वो भी मैंने कराए थे। तो मतलब आप इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लोरेशन से क्या कर सकते हो, गैप्स को फिल कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है बट उसमें क्या होता है, कई चीज़ें मिसिंग होती हैं। क्यों मिसिंग होती हैं? कई बार क्या हो जाता है, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स के कारण जो हमारे पास डाटा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या कई बार मिस्टेक हो जाती है, हम एक आधा डाटा लिखने को भूल जाते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड आ जाता है लोकेशन ऑफ वैल्यू। अब जो इंटरप्रिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसमें हम लोकेट कर सकते हैं वैल्यू किसकी, मीडियन और मोड की। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, मीडियन और मोड की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। किसके थ्रू? इंटरपोलेशन की हेल्प से। ठीक है, थर्ड गाइज इसका आ जाएगा, और ये लोकेशन ऑफ वैल्यूज़ में आपको क्या करना है कि आप दोनों मीन एंड मोड के आप फॉर्मूलेज लिख दीजिए। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये भी आप साथ में मेंशन करके आओगे एग्जाम में, अगर आपको ये 5 मार्क्स में आया तो। थर्ड आ जाता है इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट, बिजनेस एंड प्रोड्यूसर। अब गाइज इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रापोलेशन जो है वो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है? गवर्नमेंट के लिए, बिजनेस के लिए और प्रोड्यूसर के लिए। क्योंकि जो ये टेक्निक है एक्सट्रापोलेशन, वो गवर्नमेंट यूज़ करेगी, बिजनेसमैन भी यूज़ करेगा और प्रोड्यूसर भी। क्यों? जो गवर्नमेंट है वो इसलिए यूज़ करेगी ताकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, इकोनॉमीज़ जो में पॉलिसीज़ बनाती है, जब वो गवर्नमेंट वो कुछ फोरकास्ट करती है कि फ्यूचर में ये चीज़ बढ़ सकती है, GDP बढ़ सकती है, कम हो सकती है, ठीक है, उसके लिए यूज़ हो सकता है। और अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, वो अगर कोई न्यू टेक्निक अपना रहा है अपने कंपनी में या बिजनेस में, तो वो क्या करेगा, अगर वो प्रॉफिट ज़्यादा करना चाहता है तो उसके लिए वो ये मेथड्स यूज़ करेगा। थर्ड आ जाता है हमारा बिजनेसमैन क्यों यूज़ करेगा, वो इसलिए यूज़ करेगा इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके प्राइजेस को, ठीक है, प्रोडक्ट के प्राइजेस को वो प्रिडिक्ट कर सके कि फ्यूचर में क्या रहने वाले हैं या क्या रह चुके थे। ठीक है, ये रही गाइज हमारी नीड्स एंड इम्पोर्टेंट। अब हम करते हैं अजम्पशन। पहला आएगा नो सडन फ्लक्चुएशन। नो सडन फ्लक्चुएशन का मतलब ये नहीं है जो डाटा है वो एकदम क्या होना चाहिए, लाइन वाइज होना चाहिए। मान लो जैसे मैंने आपको बताया था 2000 से लेके 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005, इस तरीके से डाटा होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 2001 का डाटा फिर सीधा 2005, फिर सीधा 2010, फिर 2012, 2015, ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम यूनिफॉर्म वे में होना चाहिए। ठीक है, अब गाइज जो सेकंड अजम्पशन है हमारी इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लोरेशन की, वो गाइज ये है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, जिसमें आप क्या करोगे कि इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लोरेशन की अगर आप टेक्निक को यूज़ करना चाहते हो, सबसे पहले जो आपका डाटा है वो एकदम लगातार होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये मतलब इस तरीके से हो, जैसे 2001, 2002, 2003, 2004, मतलब लगातार हो। ये नहीं कि 2001 का डाटा है, फिर 2005 का, फिर 2008 का, फिर 2012 का, 2015 का, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म रेट में होना चाहिए। ठीक है, मतलब साथ ही साथ होना चाहिए। अगर आपको आसान भाषा में कहूँ तो एकदम साथ साथ ईयर्स, या कह सकते हो
कि एकदम साथ ही साथ हो, जैसे 2001 2003 इस तरीके से होना चाहिए। थर्ड आ जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल। अब इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लोरेशन में ये ज्यूम किया जाता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनमें क्या होने चाहिए, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड आ जाता है आइडेंटिफिकेशन, देयर मस्ट बी सम आइडेंटिफिकेबल स्टैटिकल रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे कोई ना कोई स्टैटिकल रिलेशन होना चाहिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में। फोर्थ आ जाता है नो कंजेक्टिव मिसिंग। यहाँ पे कंजेक्टिव मिसिंग नहीं होनी चाहिए। कंजेक्टिव का मतलब एकदम साथ साथ, जैसे मान लो आपको मैंने पिछली वीडियो में कराया था आपको क्वेश्चन किस तरीके से होता था, जैसे y0, y1, y2 मिसिंग है, फिर y3, y4, y5 मिसिंग है। आपको मैंने इतने क्वेश्चन कराए पिछली वीडियो में इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, जब मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया था उसने, आपने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा है जो मैंने उस वीडियो में कराया था कि इस तरीके से हो कि वाई जीरो की वन है साथ ही वाई वन भी मिसिंग है, मतलब वाई जीरो भी मिसिंग और वाई वन भी मिसिंग हो। आपने मैंने आपको जो दो डिजिट का क्वेश्चन कराया था उसमें आपने देखा था कि जो मिसिंग वैल्यू थी वो कुछ इस तरीके से थी, वाई जीरो आपको गिवन था, वाई वन आपको गिवन था, वाई टू मिसिंग था, फिर वाई थ्री गिवन था, वाई फोर गिवन था और वाई फाइव मिसिंग था। मतलब कंजेकटिव साथ ही साथ मिसिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट का इस ऑप्शन आ जाती है हमारी फेयरली लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब यहाँ पे इतनी, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उतनी लार्ज नंबर ऑफ क्या है, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक दो तीन साल का डाटा आपके पास गिवन है, कम से कम 5-6 साल का या 3-4 साल का डाटा तो आपके पास हो। ये नहीं कि सिर्फ 2 साल का डाटा लेके बैठ गए हो इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लोरेशन करने के लिए, ये टेक्निक यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। लास्ट आ जाता है कंसिस्टेंसी इन रेट ऑफ चेंज। जैसे मैंने आपको बताया जो चेंज है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट का समझ रहे हो ना, एकदम साथ साथ कंजेकटिव होना चाहिए, मतलब 2001 2002 इस तरीके से होना चाहिए। एक ही एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से समझ आए। तो गाइस ये अभी हमने कर लिए नीड, इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, और साथ ही साथ हमने क्या कर लिया, अजम्पशंस कर लिए। ये आपको 5 मार्क्स के लिए गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, वीडियो को अंत तक देखोगे समझ आ जाएगा। और गाइस इस चैप्टर में अगर थ्योरी पार्ट के लिए आपको कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, ठीक है। मेथड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऑलरेडी गाइज मैंने आपको बाइनोमिनल एक्सपेंशन मेथड करा दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे दूंगी, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको कोई भी जो वीडियो मैंने बनाई है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मेथड्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका मेथड्स आते हैं वो दो तरीके के मेथड्स आते हैं। पहला आता है ग्राफिक मेथड और दूसरा आता है एलजेब्रिक मेथड, ठीक है। ग्राफिक मेथड में आपको इतना ज़्यादा कुछ क्या कहते हैं इलेबोरेट नहीं कराया, बस ग्राफिक मेथड ही करना है। उसके बाद गाइस आपका आ जाएगा एलजेब्रिक मेथड, उसमें क्या आएगा, बाइनोमिनल एक्सपेंशन मेथड, जिसमें मिसिंग वैल्यूज़ होती है। मैंने आपको कराया था ना जिसमें पहले एक मिसिंग वैल्यू थी फिर 2 मिसिंग वैल्यू थी। उसके बाद आ जाता है न्यूटन मेथड। न्यूटन मेथड में भी आगे बहुत सारे मेथड हैं, एक तो डिफरेंशियल मेथड है, एक है हमारा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, प्लेलिस्ट में मैं वो भी वीडियो डाल दूंगी। नेक्स्ट है लैंग्वेज मेथड। गाइस लैंग्वेज मेथड है ना जो, ये आपको 15 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। याद भी क्या रखना है, उसका लॉजिक याद रखना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगी, वो भी टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस आ जाता है पैराबोलिक कर्व मेथड। उसके बाद गाइस जो आपका लास्ट मेथड आता है वो आता है अदर मेथड, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसमें से एक मेथड करा दिया है, न्यूटन मेथड एंड लैंग्वेज मेथड मैं नेक्स्ट करवाने वाली हूँ, ठीक है। लगभग मैंने आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिया है। थ्योरी का पार्ट मैंने जो जो इंपॉर्टेंट थे गाइस वो मैंने करा दिया है इस चैप्टर से। अगर कोई थ्योरी आई ना वो इनमें से ही आने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी थ्योरी साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी, तो ये चैप्टर बिल्कुल मत छोड़ के जाना। और गाइस जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, उसके भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। साथ ही साथ लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो भी मैंने बता दिया है। प्लेलिस्ट में लिंक, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेक जरूर कर लेना। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, होप सो गाइज वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, एंड ऑल्सो चेक द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट in the description box now.